गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 3, इंग्लिश। देर इज़ अ पोएम गिवन ऑन पेज नंबर 36। वी हैव ऑलरेडी लर्न द पोएम बट एक्सप्लेनेशन वॉज लेफ्ट, सो लेट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम लेट्स अंडरस्टैंड दिस पोएम। सो एज़ यू कैन सी देर इज़ अ स्मॉल बी एंड अ लिटिल फ्लावर डेजी। ये कौन सा फ्लावर है? डेजी फ्लावर है। एंड दिस इज अ हनी बी, एक बी है ऊपर। सो दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल डेजी, अ लिटिल डेजी। द लिटिल वाइट डेजी, द कलर ऑफ द डेजी इज वाइट। ये कौन से कलर का डेजी फ्लावर है? वाइट। ओपन विद द सन, वेन एवर द लिटिल वाइट डेजी ओपन्स विद द सन। He says, and a little flower says, I am not lazy. मैं बहुत आलसी नहीं हूँ। I open my eyes with the sun. जैसे ही सूरज उगता है मैं भी उठ जाता हूँ। When there is a work to be done, I am not lazy. When there is a work to be done, कोई भी काम करना हो, this little flower is not lazy. The bee will come to suck my honey. So the bee will come to suck the daisy's honey. और फूलों पे से शहद लेते हैं। जो भी बीज होती है, हनी भी होती है, वो सक करती है किसको? हनी को, फ्रॉम द लिटिल डेजी। द बी विल कम टू सक माई हनी एंड शी डज नॉट पे मी विद एनी मनी। वो उसका शहद तो लेती है लेकिन उसके बदले में उसको कोई भी पैसे नहीं देती है। दैट मीन्स कि हनी, सॉरी लिटिल डेजी फिर भी बहुत खुश है। ही इज़ नॉट एट ऑल लेजी, वो अपना काम करता है। बट विदाउट हर आई वुड नॉट हैव एनी सीड, बट विदाउट हर आई वुड हैव नो सीड्स। लेकिन हनी भी उसको पैसे तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी जो डेजी फ्लावर है वो बहुत थैंकफुल है हनी बी का, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी सीड्स होते हैं, जो भी फ्लावर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सीड्स लगे होते हैं, उसको हनी बी पकड़ करके अपने माउथ में कहीं ना कहीं गिरा देती है, जिससे और भी लिटिल फ्लावर्स उग जाते हैं। राइट। सो बट विदाउट हर आई वुड हैव नो सीड्स एंड नो मोर डेजी। और फिर अगर हनी बी कोई भी सीड्स इधर उधर नहीं गिराएगी तो क्या और भी सारे फ्लावर्स आएंगे क्या? सो आंसर इज नो। सो दैट इन दैट वे लिटिल डेजी इज थैंकफुल टू बी। एंड नो मोर डेजीज वुड ग्रो अमंग द रीड्स। सो द लिटिल डेजीज ग्रो अमंग द रीड्स। सो दिस पोएम इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो भी आप मुझको ज़रूर स्कूल के ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सो दैट मैं आगे से इम्प्रूव कर सकूँ और आपको बता भी सकूँ। सो ये आप पोएम एक बार तो कॉपी में लिखेंगे और साथ के साथ स्मॉल पोएम के साथ में स्मॉल एक्सरसाइज गिवन ऑन द पेज नंबर 37। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टू क्वेश्चंस। देर आर फिलअप्स, fill in the blanks with the words from the box. There is a box and 4 words are already there: bee, white, reeds and lazy. So first sentence I am going to read it for you. Pehle sentence mein kya aayega inme se humko dekhna hai. First sentence is, the little dash daisy opens with the sun. The little dash daisy. So the answer is the little white daisy. So write number 1, the little white daisy opens with the sun. Second, the daisy is not lazy, because daisy says I am not lazy. Right. The daisy is not lazy. Third, the dash will come to suck the daisy honey. Who will come to suck the daisy honey? Yes, the bee will come.
The bee will come to suck the daisy's honey. Now fourth part. Read the fourth part. That is, the daisy grow among the dash. जो डेजी फ्लावर होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है? द डेजी वुड ग्रो अमंग द रीड्स. रीड्स में ग्रो करता है. एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रीड्स? रीड्स किसको कहते हैं? दैट इज़ अ टॉल प्लांट. ग्रास, अ टॉल ग्रास और एनी ग्रास विच ग्रोज नियर द वाटर बॉडी. सो इसके आसपास जहाँ पे भी जल होता है उसके आसपास जो टॉल टॉल ग्रास होती है वहाँ पे कौन सा प्लांट, कौन सा फ्लावर ग्रो होता है? डेजी. तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी में करेंगे और बी पार्ट भी. सी द बी पार्ट. सर्कल द नेम ऑफ द फ्लावर्स. देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड्स. सो इनमें जितने भी फ्लावर्स के नेम हैं आपको सर्कल करने हैं. ये तो आई एम वेरी श्योर आपको पहले से ही आता है. फर्स्ट इज डेजी. डेजी इज़ अ वाइट फ्लावर. लोटस, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. लिली, येलो कलर्स और रोज. देन जैस्मिन. दीज आर द नेम ऑफ फ्लावर. इनमें से कौन से फ्लावर्स के नेम हैं वो आपको सर्कल करने हैं. बुक में भी करना है और नोटबुक में आपको सिर्फ फ्लावर्स के नेम लिखने हैं. ओके. डेजी, लोटस, थर्ड लिली, फोर्थ रोज एंड फिफ्थ जैस्मिन. 5 वर्ड्स आपको ये फ्लावर्स के लिखने हैं. एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दीज 5 फ्लावर्स. आपको 5 के 5 फ्लावर्स की पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है या फिर ड्रॉ करनी है. एंड लेट मी रीड दिस ऑल्सो. दिस इज पॉन्ड, मतलब तालाब. वाइज, वाइज मीन्स समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट. एंड दैट इज़ ड्रेन. ड्रेन मीन्स वाटर बॉडी जब बह करके जाती है. देन पिन. ओके. सो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे आफ्टर सो मैनी डेज. सो लेट्स कम्प्लीट दिस चैप्टर इन योर नोटबुक ऑल्सो. लर्न द पोयम एंड प्लीज़ रीड. इस लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बुक्स को रीड करना. खूब रीडिंग अच्छी अच्छी करो और अपना ध्यान रखो. टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू.